स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो DMRC के बारे में है। DMRC रिक्वायरमेंट 2022 सैलरी अप टू 1,32,900, चेक पोस्ट, हाउ टू अप्लाई एंड अदर डिटेल्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हो। DMRC ने घोषित किया एप्लीकेशन के पोस्ट के लिए DY HOD यूटिलिटी डिवीजन पोस्ट रिटायरमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट के बेस पर सिर्फ एक वैकेंसी उपलब्ध है। इस पोस्ट के लिए आखिरी तारीख भरने की 18 जुलाई 2020 यानी कि कल की है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिसीव्ड बाद में रिजेक्ट हो जाएगी। एज लिमिट होगी आपकी 1 तारीख 6 2022 होगी, यानी 58 से 61 साल वालों के लिए। कैंडिडेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CPSUS एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा यानी कि प्रॉपर चैनल के माध्यम से। जानकारी अब आपको बताते हैं DMRC रिक्वायरमेंट 2022 के जानकारी। पे स्केल की बात करें DMRC रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में तो DY HOD यूटिलिटी डिवीज़न की 93,200 होगी से लेके 1,32,900 तक होगी पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मांगी गई क्वालिफिकेशन है वो BE और BTEC इलेक्ट्रिकल सिविल या मैकेनिकल से होनी चाहिए। 60% नंबरों के साथ कोई भी रिकॉग्नाइज यानी को मान्यता यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट्स को कम से कम 15 साल के पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम 3 साल डाइवर्टिंग यूटिलिटीज का 400 KV 222 KV 132 KV 110 KV 66 KV 33 KV 11 KV ट्रांसमिशन लाइन जरूर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई करें DMRC 2022 के लिए। कैंडिडेट्स के पास सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन को भेजने से पहले नेम ऑफ द पोस्ट, कवर अप, स्पीड पोस्ट के द्वारा और ईमेल के जरिए स्कैन कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ भेजना होगा। आपका सब यानी सब्जेक्ट आपका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपका जो सब्जेक्ट होगा tdmrc.project.recte@gmail.com होगा, जो कि मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ जिससे कि आप आसानी से भर सकते हैं। इस पते पर भेजेंगे एप्लीकेशन को। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस पते पर आप भेजेंगे एप्लीकेशन को, जो कि है TO EXECUTIVE DIRECTOR HR दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लाइन, 12 खंबा रोड, न्यू दिल्ली। आखिरी तारीख एप्लीकेशन जमा करने की रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ स्पीड पोस्ट और ईमेल के द्वारा भेजना होगा। 18 तारीख 7 महीना 2022 तक है। सर अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। पर्सनल इंटरव्यू होगा कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स कॉल करना होगा इंटरव्यू के लिए 1.5 रेशियो में, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। फैसेट ऑफ उनके पास क्या होना चाहिए, फैसेट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, कंप्रेंशन होनी चाहिए, एप्टीट्यूड और फिजिकल फिटनेस के माध्यम से सिलेक्शन होगा आप लोगों का। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट कैंडिडेट्स अपलोड करने होंगे DMRC वेबसाइट यानी DMRC के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे 2 जुलाई 2022 के पाँच हफ्ते। इंटरव्यू अगस्त 2022 के पहले हफ्ते में होगा ऑनलाइन मोड के जरिए और आखिरी रिजल्ट डिक्लेयर होगा अगस्त 2022 के दूसरे हफ्ते में। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नए को इंटरेस्टिंग वीडियो में।